जो सोच है वो नेक सोच है, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ढिल्लन सर ने जो बात रखी है कि रियली कंपनी की तरफ से भी कुछ पर्सन को पैसे मिले और यहाँ से भी कलेक्शन हुआ था और आज वो पर्सन कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सच है और इस चीज को मैंने भी देखा है, फील किया है। और इसलिए जो है अगर हम ऑफिशियल अगर कुछ, जैसे अगर ढिल्लन सर बता रहे कि हमारा जो कैटमो ग्रुप है वो कुछ ऑफिशियल टाइप है, कुछ सीरियस है वो, तो वहां पर इन सब चीजों को अगर पोस्ट ना किया जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा, बजाय कि अगर हम उसे अपना एक ग्रुप कोई भी बनाकर और वहां शेयर करें तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा किसी के लिए भी। मतलब कि मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि हमने हमने मिस्टर ऐश के थ्रू लाखों रुपए की हेल्प करवाई है, बट उन लोगों ने कोई उसके बाद कोई वो नहीं किया, जबकि वो मतलब कि उसमें नाम तो फिर हमारा आ गया ना कि हमने तो करवाई, वो ठीक है ऐश का दिल बहुत बड़ा है, वो उस लेवल पे जाते नहीं है कि हिसाब मांगने के अगर वजह, बट वो हमें तो मालूम है ना कि क्या हुआ है। सो लाखों मतलब लाखों रुपए, अगर मैं जिस दिन फिगर आपको बता दूंगा आप सुन के आराम रह जाओगे, इतना बड़े दिल है, बट वो हमने बंद कर दिया सारा कुछ, नहीं ओके डन खत्म। बिल्कुल सर, तो मैं भी है ना लाखों रुपए की हेल्प कर चुका हूँ सर, अभी तक मेरा तो काम ही अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी है, और मैं भी हिसाब तो मांगता ही नहीं हूँ, कि मैं तो ये सोचता हूँ कि चलो सर दे दिया, वो भगवान ऊपर वाला देख रहा है सामने, अपन तो पुण्य नहीं, वो इंडिविजुअल तौर पे देखो आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ठीक है आप, बट जब हम एक जनरल बात पब्लिक इतने लोगों की करते हैं तो वहां पे फिर वो ऑथेंटिसिटी आ जाती है, वहां पे हमें हिसाब रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कल को ठीक है हम यहाँ बोल देते हैं कल को, अरे यार ये तो पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, ये तो ये करते हैं, जबकि जब अभी भी आवाजें उठती है बहुत सारी ऐसे, पैसा इकट्ठा कर लिया, ये कर लिया पैसा, चाहे आप अच्छे को, बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे क्या, हाँ बहुत से लोग बोलते हैं कि आप छोटे मोटे फाउंडर यदि कोई किसी के लिए आप यदि पोस्ट करेंगे तो आपकी पोस्ट को तरजीह नहीं दी जाएगी, बाकी बड़े बड़े लीडर्स की तो पोस्ट आती है सर, ये बड़े लीडर को भी सोचना चाहिए ना कि कैसे क्या है, उनको भी सोचना है, तो हिसाब कहाँ है, वो बैलेंस शीट कहाँ है उसकी, हिसाब की, पैसा इकट्ठा करना तो 2 मिनट लगते हैं, कितनी देर लगती है पैसा इकट्ठा करने को, लोग बैठे हुए हेल्प करने के लिए, बट अगेन जहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है वहां पे हिसाब रखना बहुत जरूरी होता है, और वो अगर हाँ हिसाब के थ्रू चला जाए तो देन एवरीथिंग इज गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और उसमें तो नगमा ने भी शायद इसमें एक थोड़ी नगमा आपको आपके उसमें करेक्शन करने की जरूरत है, तो ओ कनेक्ट में जब हम नाम है, नाम के आगे फ्लैग आएगा, ओके यहां तक तो ठीक है, बट उसके बाद ये है कि फ्लैग को आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा, जस्ट उसके ऊपर अपना माउस को होवर करिए रखिए और वो अपने आप पॉप अप हो जाएगा वहां पे जो कंट्री का नेम, क्लिक करने की हमें जरूरत नहीं है उसको, क्लिक की जरूरत नहीं है, जस्ट आप अपना माउस को उधर रखोगे एंड वो आपको शो करेगा कंट्री का नेम फ्लैग के ऊपर। ओके यस बिल्कुल सर, ये वाकई में मतलब वोट ट्रैकर के द्वारा होगा और ये कोई भी झूठ नहीं बोल पाएगा, वाकई में ये अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। और भी कई सारे मतलब इस वेबिनार में आज अपडेट दिए गए थे, पेमेंट को लेके भी बात हुई थी, तो पेमेंट से रिलेटेड ही मेरा ये सवाल है सर, पेमेंट को लेके हमारे सीईओ मिस्टर एस मोपड़ा जी ने एक बताया था कि हमने मतलब पेमेंट ऑफ गेटवे के साथ कुछ बताया था, टाई अप वगैरह हुआ है, लेकिन एक बात यूनिक उन्होंने बताई थी कि अगर जिसके पास अपना खुद का अकाउंट नहीं होगा वो भी अपना पेमेंट मतलब ये डेबिट कार्ड के द्वारा ले सकेंगे, तो मेरा इसी से रिलेटेड सवाल है, अगर आप इसमें थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करेंगे तो सर। फिर से बोलिए, आपने कुछ बोला था बीच में, किसी ने बोल दिया था, तो क्या था? पेमेंट ऑफ गेटवे को लेकर हमारे सीईओ साहब ने बहुत सारी बातें बताई थी और पेमेंट कैसे आएगा क्या आएगा इसके बारे में चर्चा हुई थी, और उन्होंने ये एक बात यूनिक बताई थी कि जिसका अकाउंट नहीं होगा वो भी अपना विड्रॉल ले पाएगा डेबिट कार्ड के थ्रू, तो वो मुझे थोड़ा डाउट से, अगर नगमा जी आप समझ पा रही है तो प्लीज कोई भी जो समझ पा रहा है क्लियर करेंगे तो बेटर रहेगा। थैंक यू सर। एब्सोल्युटली सिंपल, क्योंकि कुछ डेबिट कार्ड इशू करने वाली है कंपनी अपने तौर पे भी, ओके डेबिट या क्रेडिट कार्ड व्हाटएवर, तो उसको लोड कर दिया जाएगा, तो वो लोड करके आप किसी भी एटीएम से कहीं पे भी आप उसको उनको मतलब कि कैश आउट करवा सकते हो, राइट, तो वहां पे अकाउंट की जरूरत नहीं होती, वो उसी अकाउंट उसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड में पैसा आप खुद ही ट्रांसफर कर लो, चाहे अपने अकाउंट से उसका नंबर डाल के एंड यू आर गुड टू गो, राइट, तो ये एक ऐसा सिस्टम है, तो डेफिनेटली तभी तो कह रहे कि हमें आई थिंक बैंक बहुत दूर की बात रह जाएगी, जब ऑन पैसिव आएगी तो ऐसा एक सिस्टम आएगा जहां पे पैसा भी होगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं और हमारे ही अकाउंट में पैसा है, हमारे ही डेबिट कार्ड्स हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो बस एंजॉय द गेम, यस। दूसरा सर, आज जो आपने जो शेयरिंग दी है वो हमारे सीईओ एस मोपड़ा जी ने भी हमारे बीच में शेयर की थी,
और मुझे भी मौका उनसे बात करने का मिला। नो डाउट आज बहुत सारे हिंदुस्तानी भाइयों ने भी वहां पे अपना पक्ष रखा और कुछ इमोशनल माहौल भी हुआ था, जो यशोदा जी नाम की एक लेडी थी वो अपनी शेयरिंग देते देते इमोशनल भी हो गई। बट उसी माहौल में वाकई में जो एस मोपड़ा जी ने एक बात बताई थी मैं सभी के लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने ये बताया कि आज जब कंपनी लॉन्च नहीं है और आप यहाँ पे फेथ बना के रखे हैं, विश्वास बना के रखे हैं और इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो नो डाउट आने वाले टाइम में दुनिया आपको याद करने वाली है और यही फेथ आपको बना के रखना है जो आपने अभी बोला था। नो डाउट हो सकता है अभी भी 5-7 दिन 10 दिन का टाइम हो सके, लेकिन फिर से उन्होंने ये भी दोहराया था कि जो हमारा इकोसिस्टम का ऐप है वो भी रेडी हो चुका और भी बहुत सारी अपडेट दी थी, हालांकि 1 by 1 यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। बट ओवरऑल मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जैसा कि सर ने बताया आप अपने काम पे बिल्कुल रहिए, बट जो लोग इन्वॉल्व रहेंगे वो बहुत कुछ यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच कुशविंदर सर, थैंक यू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली संपत्ति, ये मैं तभी कहता हूँ यहाँ पे हमें मिस्टर ऐश के ऊपर भरोसा बना के रखना है। वो जो कुछ कर रहे हैं बहुत कुछ सही कर रहे हैं, ओके, बहुत सोच समझ के कर रहे हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ कर रहे हैं, ओके, ये बहुत बहुत सारा हमको एक्सपीरियंस है बहुत सारी चीजों का। तो वही जो लोग थोड़े इम्पेशेंट है हमारे लोगों की, ये नहीं वो नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, तो उनको भी मेरा कहना है कि जस्ट विश्वास करिए, एक आदमी के ऊपर विश्वास करना सीखिए जिंदगी के ऊपर कि कैसे करते हैं और एक आदमी कैसे आपकी आपकी लाइफ को सेट करने वाला है इस धरती के ऊपर, राइट। आपकी लाइफ है ये, अभी नहीं खत्म होने वाली, बहुत सालों तक चलने वाली आपकी लाइफ, ओके। तो उस लाइफ को अगर सेट करना है तो एक आदमी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा जिसने ये काम शुरू कर दिया है, ओके, कि मुझे मुझे अपलिफ्ट करनी है सारी सारी सोसाइटी को, ओके। तो जिसने जब ठान ही लिया है कि मुझे करनी है तो व्हाई नॉट टू उनके ऊपर भरोसा किया जाए। तो इसलिए जो 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 लोग नेगेटिव हैं थोड़े से या इम्पेशेंट हो जाते हैं कई बार, तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है लाइफ में इम्पेशेंट मत होइए। यहाँ पे हजारों लोग पॉजिटिव बैठे हुए, इनकी तरफ देखिए, ओके, इनएक्टिविटी को छोड़कर ये पॉजिटिव लोग हैं, ये भी आप ही के बहन भाई हैं, ओके, आप ही के कंट्री से हैं, तो अगर ये पॉजिटिव हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते, ओके, ठीक है। सर्कमस्टांसेस आपके इधर के उधर होंगे, वो इसलिए हुए ना कि कुछ है ही नहीं, ओके, या आपने कर करके सब कुछ देख लिया, कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे ऑन पैसिव है जो कि सब कुछ आपको करने के लिए तैयार करके दे रही है इन द राइट फॉर्म। तो जो राइट चीज करनी होती है ना उसी को टाइम लगता है, स्कैम्स को तो 2 मिनट लगते हैं करने के लिए, ओके, वो एक दिन में वेबसाइट रेडी हो जाती है, अगले दिन पैसा डालो और 2 महीने के बाद वो लोग दिखते नहीं कहीं पे, और ऐसा बहुत बहुत हजारों लोगों के साथ रोज होता है, रोज हो रहा है, अलग अलग स्कैम्स आते हैं, अलग अलग ये हो रहा है, राइट। सो इसीलिए एक चीज को अगर कोई आदमी इस लेवल के ऊपर आके बनाने की कोशिश कर रहा है उसका हमें साथ देना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और उसके ऊपर 100% फेथ रखे कि ओके भाई साहब आप करो, करो तो सही, ओके, करो हम आपके साथ है, आप टाइम लो जितना लेना लो कोई बात नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी लाइफ तो सेट होने वाली है ना। सोचिए आज से 5 साल बाद आपकी लाइफ क्या होगी, तो वहां पे लॉन्ग टर्म जो आपका गोल है वहां पे फोकस करिए, ना कि ये अगस्त में ये हो जाएगा, जुलाई में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वो ऐसे ऐसा जो ब्लेमिंग वाला गेम होता है कि ये कुछ नहीं होना इनसे, ये होना, उसको छोड़ के एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जिंदगी को जीना सीखो, देखो सब कुछ सही लगने वाला है यहाँ पे, ओके जी। यस थैंक यू सो मच सर।